हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे इंग्रेडिएंट से बना हुआ लड्डू का रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि गर्मी के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हमारा बॉडी को ठंडक भी देगा और पौष्टिक भी, और बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। चलिए बनाने शुरू करते हैं, और बनाने से पहले मेरे चैनल को काइंडली लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप मखाना। मखाने में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी, बहुत ही ऐसे तत्व है जो हमारा बॉडी को फायदा करता है और हार्ट के लिए भी एकदम फायदाजनक है। वीकनेस और हड्डी मसल्स को भी मजबूत बनाता है और नींद भी अच्छी तरह से आती है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का मात्रा एकदम कम है, इसीलिए जो वजन कम करना चाहते हैं उसके लिए भी एकदम फायदाजनक है। इसको हम हल्का रोस्ट करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको भुनेंगे। इनको हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम में भुना है। अब चेक करेंगे, इस तरह से दबाने से यह आसानी से टूट रहा है, तो ये हो गया है। और इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीस देंगे। अब इसी पैन में हम बादाम को भी भुनेंगे। बादाम हमने यहाँ लिया है 19-20 जितना, और इसको हल्का रोस्ट करेंगे। और उसको ठंडा होने के बाद इसको हम पतला पतला टुकड़े में कट करेंगे। अभी बादाम भी बन गया है। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1/2 कप देसी घी। इसको पहले हम आधा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, देखते हैं कितना लगता है। कोशिश करेंगे कि इसमें हम घी कम ही डालें, लेकिन घी भी शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं, थोड़ा लिमिट में खाने से। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप सबसे बजट वाली चीज़, चने का सत्तू। चने के सत्तू में भी ऐसा बहुत सारे पौष्टिक तत्व है जिससे हमारा शरीर को बहुत ही फायदा देता है। इसमें भी फाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, जिंक है, हमारा शरीर को बहुत ही फायदा देता है और पेट को ठंडा रखता है। विशेष गर्मी के मौसम के लिए तो ये बहुत ही फायदेजनक है। ये पहले भुना हुआ है तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं। आप इस टाइम गैस का फ्लेम एकदम लो में रखिए। मुझे लगता है इसमें थोड़ा कम पड़ जाएगी, इसमें थोड़ा डालेंगे। साथ में घी अच्छे तरह से ढकना चाहिए और इसको अच्छे तरह से मिला दीजिए। इसको हम भुनेंगे। ये पूरा भुनने के बाद इसमें प्याज की खुशबू आने लगता है। इस तरह से थोड़ा ही गीला गीला होना चाहिए। देख लीजिए ये पूरा भुन गया है, घी को रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मखाना जो हमने पहले पीस कर रखा हुआ था, और इसको भी हम अच्छे तरह से मिलाएंगे। मखाना को हमने अच्छे तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, ये लिया है हमने 1/3 कप, और इसको भी अच्छे तरह से मिलाएंगे। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है, और इसको भी हम अच्छे तरह से मिलाएंगे। सभी को हमने अच्छे तरह से मिला लिया है, ये सब भुन भी गया है। देख लीजिए घी डिश करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। और इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, और इसमें हम और चीज़ ऐड करना बाकी है। लड्डू का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको हम एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें मीठा डालेंगे। मीठा डालने से पहले इसको पूरी तरह से ठंडा करिए, तभी आप इसमें मीठा डालिए, नहीं तो गर्म गर्म ही डालोगे ना तो पिघलने लगेगा, आपका सही से लड्डू नहीं बनेगा। इसमें हमने बादाम भी डाल दिया है, हमने लंबा लंबा से भी कट कर लिया था। और चीनी की जगह हम इस तरह का धागा वाला मिश्री लिया है, 1/2 कप लिया है हमने। अब इसको हमने पाउडर बना लिया है, इसको हम अच्छे तरह से इसमें मिलाएंगे। मिश्री भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेजनक है। आपका पेट में जलन होता है तो आप मिश्री ही डालिए, इससे बहुत ही ठंडक मिलेगा पेट को। लड्डू का आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप चीनी की जगह घोल या मिश्री ही डालिए, और इस तरह से हाथ में लेकर लड्डू तैयार करेंगे। इसको अच्छे तरह से दबा दबा कर हम बोन को शेप में देंगे। हमें यहाँ मीडियम साइज का लिया है, आप अपने हिसाब से बनाए। उसके बाद इस तरह से हथेली में गोल गोल करके घुमाए, इसका घी बाहर आने तक। देखिए इस तरह से
ये बार आ गया है और साइनिंग भी आ गया है। और इसी तरह पूरी मिश्रण को हम लड्डू बनाते जाएंगे। ये लीजिए गर्मियों के लिए परफेक्ट लड्डू तैयार। ये एकदम ताकतवर और शक्तिवर्धक लड्डू दिन में एक खाइए, शरीर का पूरी बीमारी जड़ से भगाइए। ये लड्डू का रेसिपी आपको कैसी लगी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।